बिहार प्रदेश का दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का अभी समापन हो गया है। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो घोषणा पत्र 19 लाख रोजगार के अवसर देने का जो संकल्प लिया था, हम उसको लागू कराने के लिए पूरा प्रयास और उसकी रूपरेखा कैसे करेंगे, इसकी एक विस्तृत चर्चा इस कार्य समिति में हुई है। बिहार सरकार को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमने जो पहला वादा किया था कि कोरोना का मुफ्त टीका प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराएंगे, उसको भी पूरा करने का कार्य किया है। हार्ट में जिनको छेद है उनका मुफ्त ऑपरेशन करने का भी वादा हमने पूरा किया है। और जो तय हुआ है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू के घोषणा पत्र समाहित हैं, उन सभी को कैसे आगे लेकर के चलना है, इसकी विस्तृत चर्चा आज प्रदेश कार्य समिति में हुई है। और इसके अलावा हमने 6 अप्रैल को जो स्थापना दिवस है, उस अवसर पर अपने सम्मानित पूर्व कार्यकर्ताओं को, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे 1996 से पहले, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम का निर्णय लिया है। 14 अप्रैल को हम बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाने का कार्य करेंगे और इसमें हम उनके संदेश को प्रत्येक नागरिक तक ले जाने के लिए हम मेहनत करेंगे। इसके अलावा पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी और हम पंचायती राज में जो केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी राशि दे रही है, उसका सदुपयोग राजनैतिक दलों के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए हमने जिला परिषद के जो चुनाव हैं उसमें भी हमने लड़ने के लिए पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन का निर्णय किया। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय उपमुख्यमंत्री, प्रस्ताव क्या थे माननीय? हमारे राजनीतिक प्रस्ताव हैं कि हमने जो कृषि के FPO के माध्यम से एक जो हमारे उद्योग को किस तरह से बढ़ाएंगे, इसकी हमने चर्चा की है। और इसके अलावा कुछ अन्य लक्ष्य भी लिए हैं, जैसे सामाजिक लक्ष्य के तौर पर पर्यावरण के बारे में हम आगे और पेड़ लगाएंगे, लाखों पेड़ हमारे कार्यकर्ता लगाएंगे। और एक जो बहुत ही साधारण बात है कि अब परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा बैठते नहीं हैं, अगर 4 कमाने वाले हैं तो 4 जगह बैठते हैं, तो भाजपा यह सामाजिक दायित्व भी लेगी कि वह बिहार के प्रत्येक घर के परिवारों के से यह अनुरोध करे कि अगर कोई भी परिस्थिति हो, एक समय का भोजन सब आपस में मिलकर करें, जिससे परिवार का बंधुत्व में जो एक बिखराव देखने को मिल रहा है उसको भी सुदृढ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने सामाजिक दायित्व के तहत किया जाए कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सिर्फ जिला परिषद के उम्मीदवारों को समर्थन करने का, सिर्फ जिला परिषद मुखिया सरपंच नहीं, सिर्फ जिला परिषद के उम्मीदवारों के को हम समर्थन देंगे।